नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में एक बड़ी अपडेट है आपके लिए। यूपी टेट के बारे में बड़ी खबर है, और खबर यह है कि आखिर यूपी टेट की परीक्षाएं कब होंगी, यूपी टेट 20 की परीक्षाएं कब होंगी। और आपको पता है कि शिक्षकों की बहुत सारी भर्तियां उत्तर प्रदेश में आने वाली हैं। अगर आप यूपी टेट क्वालिफाई नहीं किए रहेंगे तो इन परीक्षाओं में बैठ नहीं पाएंगे, और बहुत सारी परीक्षाएँ इस समय हो रही हैं। आगे 3-4 साल तक शिक्षकों की वैकेंसी नहीं आएगी, इसलिए यूपी टेट पास होने का आप मंत्र जान लीजिए। यूपी टेट कैसे पास करेंगे, परीक्षा के बारे में जानकारी इस वीडियो में देंगे, और मनोविज्ञान की तैयारी इस तरह से आपको करनी है कि 30 में 30 अंक आए। मनोविज्ञान पे ही क्यों फोकस है, तो सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इस न्यूज़ को देख लेते हैं। दोस्तों, TET 2020 परीक्षा के लिए आज भेजा जाएगा प्रस्ताव। तो ये न्यूज़ ये निकल के आ रही थी कि सचिव परीक्षा नियोग प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज TET 2020 परीक्षा के लिए प्रस्ताव शासन को एक बार फिर से सोमवार को भेजने जा रहे हैं, यानी कि आज। इसमें अक्टूबर के प्रथम हफ्ते से परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने और दिसंबर के पहले हफ्ते में परीक्षा कराए जाने की तैयारियों का जिक्र किया गया है, ठीक है। और इसके बाद संभावना जताई जा रही है कि पिछली बार की TET परीक्षा से अधिक अभ्यर्थी इस बार TET में बैठेंगे। इसके पूर्व सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 2 बार शासन को प्रस्ताव भेजा था कि परीक्षा को शीघ्र कराया जाए। इस बार TET विलंब से हो रही है, ऐसे में कम से कम 10 लाख परीक्षार्थियों के शामिल होने की संभावना है। 10 लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। दिसंबर में परीक्षा कराने की पूरी तैयारी है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में ऑनलाइन आवेदन लेने की बात की जा रही है। तो सितंबर आपका ख़त्म हो रहा है, अक्टूबर शुरू होने वाला है, जल्द से जल्द आपका आवेदन आ सकता है और दिसंबर में परीक्षा हो सकती है। अब दोस्तों बात करेंगे, आखिर यूपी का TET एग्ज़ाम जो है उसको पास करने का मूल मंत्र क्या है। देखिए, TET के एग्ज़ाम में 30 प्रश्न मनोविज्ञान के आते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिसका मनोविज्ञान पे कंट्रोल हो जाता है वो 30 में 30 नंबर भी ला सकता है। अब कंट्रोल कैसे करेंगे, कंट्रोल करने के लिए मैंने 700 प्रश्नों की एक PDF बनाई है। अगर आपने इन 700 प्रश्नों को पढ़ लिया, और इसको पढ़ने में कोई बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा, तो आप 30 में 30 अंक ला सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि छात्रों की तैयारी किस प्रकार है। जो मनोविज्ञान है उसकी तैयारी छात्रों की बहुत अच्छी नहीं है, और मनोविज्ञान में छात्र कितने कमज़ोर हैं ये भी आपको बताते हैं। दोस्तों, हमने जो है एक क्वेश्चन पूछा था, और ये मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन था। गार्डनर ने 7 बुद्धि संबंधी अधिमान निर्धारित किए हैं, इनमें से कौन नहीं है। तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मनोविज्ञान के बारे में आप जानते होंगे। गार्डनर ने 7 बुद्धि संबंधी अभिमान दिए थे। तो इसमें देखिए, यहाँ पे मैंने एक चीज़ और लिखा था कि 700 प्रश्नों की PDF डाउनलोड करने का लिंक कमेंट बॉक्स में है, और जो ऑप्शन आए हैं आप लोगों ने जो सही किए हैं, 605 लोगों ने ट्राई किया है इस क्वेश्चन को सही करने के लिए, और संस्थान संबंधी बुद्धि 75% लोग लगा रहे हैं, भावनात्मक बुद्धि 11% लोग, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि 9%, भाषात्मक बुद्धि 6%, इनके हिसाब से सही है। अब सही उत्तर क्या है, भावनात्मक बुद्धि यह नहीं है। 7 में से ये तो है, ये भी 7 में है, ये भी 7 में है, यह नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा भावनात्मक बुद्धि, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर भावनात्मक बुद्धि है, केवल 11% लोग, 605 में केवल 11% लोग, केवल 66 लोगों को, 605 लोगों में केवल 66 लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं। तो देख लीजिए कितना कमज़ोर है मनोविज्ञान। इसी तरह से गलती करेंगे यही परीक्षा में दिक्कत होगी। अब जो मैंने ये PDF बनाई है इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका मनोविज्ञान में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। एक कल प्रश्न मैंने पूछा था, और बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा था। यहाँ पे देखिए, CSET और TET के छात्रों के लिए 700, ये तो खैर वो कमेंट बॉक्स में है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई।
70% लोगों का मानना है 1897 से, 11% मानते हैं कि 1930, 1948 9%, 1990 10%। कितने लोग पार्टिसिपेट किए? 773। उत्तर किसका सही है? 11%। केवल 11% लोगों का मानना है कि 1930 से मनोविज्ञान की शुरुआत हुई, सॉरी बाल विकास की शुरुआत हुई भारत में। अब भारत में बाल विकास की शुरुआत जब 1930 से हुई और 11% लोगों को उत्तर सही मालूम है, तो यूपी टेट कौन क्वालिफाई करेगा? ये 11% लोग क्वालिफाई करेंगे। क्या आप भी इन 11% में हैं या फिर आप 89% लोगों में हैं? तो दोस्तों, ये पीडीएफ बहुत ही काम की आपकी होने जा रही है। इस पीडीएफ को बनाने में बहुत टाइम और बहुत समय लगा। मैंने बनवाया है, कुछ दोस्तों से बनवाया है, कुछ छात्रों से बनवाया है, टाइप करवाया है, उन्होंने परिश्रम बहुत किया है, तो इसलिए इसकी बहुत मामूली सी कीमत भी है, जिससे उनका भी कुछ भला हो सके। अगर आपको ये दो प्रश्न मैंने दिए पसंद आए हों तो आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। आपको ये पीडीएफ मिलेगी कैसे? ये देखिए, यहाँ पे लिंक पड़ा हुआ है। इस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पेमेंट सेक्शन में जाएगा, वहाँ आपको मात्र 20 रुपीज़ पे करना है और ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है। ये लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, वहाँ से भी कर सकते हैं, और बाकी हमारे चैनल पर जाके यहाँ से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मनोविज्ञान ही सफलता की कुंजी है। पढ़ डालिए ये 700 प्रश्न और यकीन मानिए 30 में 30 नंबर आप पा जाएंगे, अगर ये 700 प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।